राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श में संकलित पाठ। शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। ये आमों का देश है, आम आदमी का देश है। आम यहां पेड़ों के रूप में भी मिलता है, फल के रूप में भी, आम आदमी के रूप में भी। यहां आम के आम होते हैं, गुठली के दाम होते हैं। पर खास लोग मानते हैं कि आम आदमी में कोई गुठली नहीं होती, उसका तो बस एक छिलका होता है। जो ताकतवर होते हैं वे सोचते हैं कि आम आदमी को कभी भी छील सकते हैं, पर यह अजब बात है कि आम आदमी को जरा छीला कि गुठली फंसी। उसका रस ले सकते हो पर उसकी गुठली निगल नहीं सकते। गुठली में कम ताकत नहीं होती, वो जहां गिरती है पेड़ उगता है। आम आदमी जब गुठली की तरह फंसता है तब इतिहास बदल जाता है। आम आदमी की महिमा को इतने सहज ढंग से व्यक्त किया है जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने। सामाजिक जीवन और उसकी तमाम समस्याओं और विसंगतियों पर तीखी चोट करने में सिद्धहस्त हैं पद्मश्री से सम्मानित व्यंग्य लेखक शरद जोशी। सातवें आठवें दशक के व्यंग्यकारों हरिशंकर परसाई, रमई काका, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी आदि में शरद जोशी का एक विशिष्ट स्थान है। कवि सम्मेलनों में गद्य में लिखे व्यंग को कविता की तरह पढ़ने के फन में ये माहिर थे। परिक्रमा इनका पहला व्यंग निबंध संग्रह था। इसके बाद इनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हुईं, जैसे यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, पिछले दिनों, किसी बहाने और यत्र तत्र आदि। इनके द्वारा लिखे व्यंग्य नाटकों का भी बहुत बार सफल मंचन किया गया जो काफी लोकप्रिय हुए। इन्होंने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिकों और फिल्मों के संवाद भी लिखे हैं। व्यंग्य के साथ साथ साहित्य की एक अन्य विधा हास्य भी गतिशील रही है। जहां शुद्ध हास्य मात्र आनंद के लिए होता है, वहीं व्यंग्य सामाजिक दायित्वों के प्रति व्यक्ति को जागरूक बनाने का एक अस्त्र कहा गया है। शरद जोशी ने अपने व्यंग्य लेखों द्वारा ये समझाया कि व्यंग्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और बिना कलात्मकता खोए उसका निर्वाह किया जा सकता है। अपने निबंधों में समाज और राजनीति की विषमताओं की तीखी आलोचना के साथ भी शरद जोशी कटुता और कड़वाहट से दूर रहे हैं। इन्होंने हास्य व्यंग की रूढ़ सीमाओं को तोड़कर उन्हें नजदीक लाने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ अतिथि को देव माना गया है, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रखी जाती। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, महानगरीय सभ्यता में मध्य वर्ग का जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है। रोजमर्रा की ढेरों समस्याओं से इस वर्ग को लगातार जूझना पड़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था चरमराती जा रही है। ऐसे में देर तक टिके रहने वाले अतिथि से
कैसे घर की व्यवस्था डावाडोल होती दिखाई देती है, इन्हीं स्थितियों पर ये हास्य व्यंग्यपूर्ण लेख लिखा है शरद जोशी ने, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं पढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। ये आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहां है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहां जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। है? मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल लिया था, पर अब जब वो ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है।
वो इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुप गए। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूं। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूं दूसरों के यहां अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम के स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहां आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वो तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम कब जाओगे अतिथि? अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर कामिनी भटनागर, पाठ समन्वय डॉक्टर स्नेहलता प्रसाद, आलेख शरद जोशी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा और सुचित्रा गुप्ता, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।